Hello and welcome to TV का पटाखा, your one-stop destination for all entertainment news. दोस्तों, प्रथा ने रची ऐसी पहेली जिसमें फंस कर रह गई महक. मिली प्रथा को सबसे बड़ी जीत. क्या किया है ऐसा प्रथा ने, हम आपको बताएंगे टीवी का पटाखा की इस रिपोर्ट में. पर अगर नहीं किया है अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबाएं. दोस्तों, प्रथा के जेल जाने के बाद, प्रथा को फांसी होने के बाद, महक तो सपने सजा रही थी. महक ये सोच रही थी कि अब वो शेष नागिन बन जाएगी, वो शेष नागिन जिसको बनने का सपना वो बचपन से देख रही थी. और ऐसे में उसने लाल चांद की चांदनी का छुआ हुआ वो दूध भी पिया, लेकिन भगवान भोलेनाथ ने उसे नहीं बनाया सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन. ऐसे में हैरान हो गई महक और सोच में पड़ गई कि वो क्यों नहीं बन पा रही है सर्वश्रेष्ठ शेष नागिन. तो हम आपको बता दें कि यहाँ पर सबसे बड़ा चक्रव्यूह रचा है प्रथा ने. जी हाँ, प्रथा ने किसी को नहीं बताया है कि वो जिंदा है. प्रथा को फांसी हुई है, पूरे का पूरा गुजराल परिवार यही जानता है. यहाँ तक कि महक को भी यही लगता है कि प्रथा इस दुनिया में नहीं रही. लेकिन अब प्रथा ऐसी पहेली रच देगी महक के इर्द गिर्द कि महक की रूह भी कांप जाएगी. हम आपको बता दें कि महक के सामने प्रथा अब एक भूत बनकर आएगी और उसको लगातार डराएगी. महक की रातों की नींद उड़ा देगी. महक को लगेगा कि प्रथा तो मर चुकी है, फिर मेरे सामने क्यों आ रही है. लेकिन महक ये नहीं जानती होगी कि वो प्रथा की आत्मा नहीं, बल्कि वो तो शेष नागिन है जिसको भोलेनाथ ने और भी ज्यादा शक्तियां देकर भेजा है. ऐसी शक्तियां जो कि ब्रह्मांड में किसी के पास भी नहीं है. और ऐसे में महक डर जाएगी और वो कदम उठा लेगी जो कि उसने सोचा भी नहीं होगा. वो पूरे का पूरा राज अपना खोल कर रख देगी प्रथा के सामने. उसको लगेगा कि प्रथा की आत्मा है, लेकिन वो तो खुद प्रथा खड़ी होगी. प्रथा के इस चक्रव्यूह में फंस चुकी है महक. क्या कहेंगे आप, हमें कमेंट्स में जरूर लिखकर बताएं. वीडियो को लाइक और शेयर करना आप ना भूलें.